जीव का कल्याण करने वाले मेरे शिव, जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी करुणा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी दया कर देते। शिव तत्व कह रहा है भगवान देवदत्त महादेव ने, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं देवऋषि नारद को शिवलिंग के पूजन का महत्व समझा। कितने लोग हैं जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो? हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो? बहुत बहुत साधुवाद रखिए, साधुता प्रतिदिन। हमने पहले भी कथा में कहा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। आप अपनी मेहनत में तल्लीन रहो और बाबा देवदत्त महादेव पर छोड़ दो। भगवान देवऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी, इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है, माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है, तो जिस बगीचे का माली है उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। बगीचे का जो माली है वो माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली पौधा को संभाल रहा है, पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है, और पुजारी अगर दिल से भगवान देवदत्त महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो, बन सके जितने भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर सकते हो उतने रस तत्व से कथा को सुनो, और जितने भाव से बन सके जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए शिव तत्व की। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया, सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूंगा। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ब्राह्मण कर्म से वंचित, आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। पर देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था, पत्नी थी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वेश्या का संग पकड़ लिया,
देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वेश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा, वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा देवराज को विनाश की ओर लेकर चले गए। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर रानी हार लेकर आ गया, और रानी हार लेकर जैसे ही आया तो पीछे 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 उसको राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे, वो मिलता नहीं। शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, बैठ गया। आप कहां बैठ रहे हो, आप कहां स्मरण कर रहे हो, आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो, यह सब मुख्य मायने रखता है। एक पत्र है, उसमें माँ ने जो लिखा है आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। गुरुदेव, पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, और एलईडियां लगी हैं, इन पर आप पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी पर नहीं चल रहा है, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव से हूं, मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव, जिस गांव में कथा हो रही है इसी गांव का निवासी हूं। मैंने पहली कथा मालेगांव में सुनी थी। मेरा लड़का तेजस नितिन अंबिकार इंजीनियरिंग 2021 में पास कर चुका था। गुरुदेव, पहले तो आपको धन्यवाद, और माननीय विधायक महोदय आमदार जी को धन्यवाद कि हमारे नांदगांव में ये कथा करवा रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं नांदगांव का निवासी, मेरा बेटा तेजस नितिन अंबिकार 2021 में उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, और 2021 में कंप्लीट कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया। मैंने मेरे बेटे से कहा एक लोटा जल शंकर को चढ़ा। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मां अगर एक लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती होती तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं, सबको मिल गई होती। मैंने अपने बेटे से कहा ऐसा मत बोल, एक बार तू सीहोर वाले महाराज की कथा सुनकर अपनी पूरी मेहनत कर और शंकर के मंदिर जाना चालू कर। मां नहीं लगी तो मैंने मेरे बेटे से कहा तू जा तो सरी। मैंने अपने बेटे से कहकर उसको मेहनत करने को कहा, जैसा आप कहते हो गुरुदेव कि जब नौकरी के लिए अप्लाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठो या किसी चीज की परीक्षा देना है तो अपनी मेहनत को चार गुना कर लो। मैंने अपने बेटे से कहा तेरी मेहनत चार गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने चार गुना मेहनत करी। मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं कर पाया तो मैंने पशुपति व्रत करे। व्रत करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। व्रत करने के बाद मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। जब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा बेटा फिर बोला, मां देख तू कहती थी व्रत करने से नौकरी लग जाएगी, जल चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी, पर लगी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है दिल से मांगोगे तो दिल से देता जरूर है। अब एक काम कर, तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी करती हूं, और एक लोटा जल मेरे साथ रोज मंदिर चल, जल चढ़ाएंगे। हम मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। गुरुदेव, उसी बीच में मालेगांव कथा हुई, मैं अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठ गई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जो मांगते हो बाबा देता है, और ये मेरा प्रमाण है। गुरुदेव, मैंने कथा में बैठकर मांगा, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा, आज मेरा बेटा भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। आज मेरे बेटे की भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बेटे ने कहा है, मां मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा फोटो लगाकर लेके जाना, पर बेटे का फोटो भी लगाया है। साधु था आपको बहुत सारा शिव तत्व है। आइए पधारिए, एक लाइन अच्छी लिखिए बाबा जी,
ओ बाबा जी, हमारे नांदगांव में कथा आई है ना, हमारे नांदगांव के विधायक जी सुहास रणा जी कांदे जी को और भाभी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे नांदगांव की कथा के लिए। बहुत बहुत तो खुश होइए, बाबा ने अब तो नौकरी लग दी। एक बात इन्होंने लिखी है इसमें, गुरुदेव मैंने मेरे बेटे के लिए 5 पंडाल में बैठकर नियम लिया था, अगर बेटे का जॉब लग जाएगा 5 पंडाल करूंगी। मैंने नासिक, जलगांव, चालीसगांव, मालेगांव कथा सुनी और 5वें नंबर की कथा हमारे आमदार ने करवा ली, उनको साधुवाद। ये कथा नांदगांव में 5 पंडाल श्रवण कर रहे हो बैठकर, जिस भाव से सुनोगे, जिस दिल से सुनोगे, उस भाव से, उस दिल से झोली में भरकर ले जाओ, हृदय से सुनो, दिल से श्रवण करोगे वो दिल से लेकर चले जाओ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर जब हम शंकर को रिझाते हैं, एक विश्वास जागृत कर जब हम शिव को रिझाते हैं, तो शिव क्यों ना मिलता। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया, 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चढ़ गई, केवल 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई और देवराज को क्रोध आ गया कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताप पड़ रहा है और ये महाराज बार बार हर हर महादेव कह रहा, हर हर महादेव कह रहा है बार बार। शिव तत्व है, एक बार दिल से अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, वो हमको तो मराठी इतना आता नहीं, पर फिर भी तुमचा शिव देवालय शिव पिंडी चा एक लोटा जल घेऊ, गड़बड़ बोला हो तो तुम्हें समर्पित हो, ये आवाज आई जोरदार, एक लोटा जल शिव पंडित चाहिए। अब साधारण तो होता नहीं, वो शंकर को चढ़ा जल, शिव को चढ़ा जल कहां साधारण होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हुआ कहां साधारण होगा। देवराज शंकर के मंदिर में गया, चोरी का हार उसके हाथ में था, 2 क्षण का शिव तत्व उसके भीतर चले गए, मात्र 2 क्षण, 2 क्षण में भी क्या मिलता है, एक पत्र है देखो, दो क्षण में क्या मिलता है, देखिए शिव महापुराण का 2 क्षण की कथा भी क्या दे जाती है। मेरा नाम प्रतिभा राजेंद्र पाटिल है, मेरे बेटे का नाम ज्ञानेश्वर, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बिलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा बेटा पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 4 साल से नौकरी की तैयारी कर आखिरी में वो हार गया और उसने कह दिया माँ अब मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू कर। बेटा कहता है माँ शंकर मंदिर जाऊँ क्या करूँ, सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि मेहनत को चौगुनी करो और शिव का मंदिर जाना चालू करो। मेरे बेटे ने बीएसएफ का एग्जाम दिया पर उसमें भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुआ और खारिज किया। अब मेरा बेटा हताश हो गया, तब मैंने अपने बेटे से कहा 1 मिनट की कथा
अगर बैठ कर सुन ले तो बाबा जरूर सुनेगा। वो मुझे पंडाल में मात्र दो क्षण के लिए छोड़ने के लिए आया, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आज मेरे बेटे की पशुपतिनाथ का व्रत करने से और एक लोटा जल चढ़ाने से, और आप कहते हो बच्चों से कि खूब मेहनत करो, मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी और पांचवा व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान क्या करूं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए, अजब दो क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने हैं, दो क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए, दो क्षण, दो क्षण। ये नांदगांव की है, इनका भाई है जिसने वो नासिक से, ये तो रहने वाली है नांदगांव की है, तो बोल रही हैं कि हम तो यहां के हैं पर हमारे भाई ने जो एग्जाम दिया उसके लिए गुरुदेव। दो क्षण मात्र, दो क्षण। और जब दो क्षण का आप और हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, मात्र दो क्षण हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं तो शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। दो क्षण क्यों ना मिले। देवराज सिर पकड़कर चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर निकल गया, मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, मंदिर से बाहर निकलकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था, प्राण छूट गए, प्राण छूटे, नंदी लेकर मेरा देवदिन महादेव। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी एक तो ये चोरी कर लिया, दूसरा गलत काम कर लिया, तीसरा वैश्या संग कर लिया, उसके बाद भी शंकर भगवान उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं, तो भी शिव उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं। उसका कारण देव अदिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी पर इसलिए लेकर जा रहे हैं, तो दो क्षण की उसने शिव महापुराण की कथा सुन ली। दूसरा, उसकी माता शिव की आराधना करती थी, उस माता के फल से उसको लेकर जा। कभी कभी हमारा पुण्य भी हमें अच्छी जगह ले जाता है। आप लोगों के स्मरण में हो कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने विवाह के बाद विनय करी, निवेदन, भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि भोले बाबा इतने जन्म में ले चुकी हूं, बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मर जाती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, बार बार जन्म लेने के बाद मेरे प्राण छूट जाते हैं, कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि फिर मेरा वापिस जन्म ना हो और मैं अमर हो जाऊं। एक बार कोई ऐसी कृपा कर दो कि अब मैं अमर तत्व धारण कर लूं, अब मेरे प्राण ना छूटे, अब मेरे प्राण। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। आप कृपा कर, आप दया कर, आप करुणा करिए। भगवान देवदत्त महादेव
भगवान शंकर माता पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले गए अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए लेकर गए, माता पार्वती के हाथ में त्रिशूल दे दिया, ले पार्वती ये त्रिशूल ले, सांप को भगा कर आ जा, मैं तुझे कथा सुना देता, ये त्रिशूल ले, सांप को भगा के जीव जंतु का। अब जरा विचार करिए कि शंकर अगर अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भगाने की जरूरत क्या है, लोग तो कथा करते हैं तो सबको बुलाते हैं, आओ साहब आओ साहब आओ साहब, कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नासिक जिले में कथा हो रही है साहब, आओ साहब आओ साहब, सबको बुलाया जाता है कथा में आओ। पर भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल देकर पार्वती से कहा साहब को भगा दे, ले ये त्रिशूल ले और सबको भगा करा। किसको भगाने की बात कर रहे हैं शंकर भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के माध्यम से शंकर भगवान कथा सुनने वाले को नहीं भगा रहे हैं, त्रिशूल के माध्यम से जो कथा सुनने के लिए पार्वती तू बैठ रही है ना, तेरे अंदर कहीं अहम आ जाए, तेरे भीतर कहीं अहंकार आ जाए, तेरे भीतर कहीं अभिमत्ता आ जाए, तेरे भीतर कहीं लोभ आ जाए, तेरे भीतर कहीं तृष्णा आ जाए, कहीं आसक्ति आ जाए, कहीं वासना आ जाए, कहीं लोभ प्रकट हो जाए, तो तेरे भीतर के इन जीवों को भगा दे, तेरे भीतर के जीवों को भगा दे। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा, आगे बैठे पीछे बैठे दाएं बैठे बाएं बैठे इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए, आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए कि नाथ गांव में हमारे इस पवित्र गांव के अंदर कथा हो रही है, मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं मुझे इस कथा का लाभ मिल रहा है, मैं कहीं पर भी बैठू मेरे बाबा की कृपा मुझ पर होनी। अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, जिनने सुना होगा उनको याद होगा, हमने कहा था जिसके हाथ नहीं होते क्या भगवान उसको मिलता कि नहीं मिलता, हाथ नहीं है किसी के तो उसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जम के बोलो जरा, मिलेगा। किसी का पांव नहीं है तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलते जाओ जल्दी, मिलेगा। किसी की आंखें नहीं है भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है नहीं सुनता भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। किसी की वाणी नहीं है निपट गूंगा है भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि भगवान इंद्रियों से नहीं मिलता, शिव महापुराण की कथा में हमने छत्तीसगढ़ में कहा था भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान को केवल एक इंद्री के बल पर मिलता है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जिसके बल पर परमात्मा प्राप्त हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना, भगवान हृदय से मिलता है, दिल से। शिव पुराण निमंत्रण नहीं है, कोई कह दे शिव महापुराण का निमंत्रण चाहिए ना, शिव पुराण निमंत्रण नहीं है, शिव महापुराण हमारे भीतर की भूख है, भोजन की भूख लगती है तो भोजन चाहिए, शिव महापुराण भी ऐसी होना चाहिए कि अपने नजदीक में हो, तुरंत घर वालों से कह दो अपने घर के पास हो रही है ना, बाजू में हो रही है, मेरा मन करता है कथा में जाना है, ये अंदर की तड़प उठे, अंदर की भूख उठे, अंदर से जैसे भोजन की भूख उठती है तो भोजन चाहिए, उसी तरह कथा सुनने की भूख उठे। और हैं कई लोग ऐसे कथा सुनने वाले दो दो दिन पहले से आकर पंडाल के अंदर बैठ गए, दो दो दिन पहले भूख है भीतर, मुझे कथा श्रवण करना है, मुझे कथा सुनना है, मुझे कथा श्रवण करना है, मेरे बाबा को मेरे हृदय में विराजमान करना है, कथा सुन, कथा सुन, मैं सुन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा
बाबा तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा मेरी नैया हम विश्वास के बल पर हम भरोसे के बल पर हम दृढ़ता के बल पर उस शिव तत्व को भजते हैं। एक महिला ने लिखा मेरे घर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल सालों निकलते चले गए मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने बहुत ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां जाकर विनती नहीं करी। मैंने नासिक मैंने मालेगांव मैंने इंदौर मैंने जगह जगह जाकर इलाज करवाया और साथ में उसने लिखा मैंने IVF भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम पति दीपक तुलसीराम लोखंडे पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठे हैं बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ ले आओ इसको। पति दीपक तुलसीराम लोखंडे पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे पति का नंबर यह है। मैं गुरुदेव मेरा परिवार सब यहीं नादगांव के अंदर ही है और हम लोग मनवाड़ से हैं। शादी को 10 साल हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां इलाज ना करवाया IVF करवाया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। गुरुदेव हिम्मत टूट गई। आखिरी में हमारे मोहल्ले की मौसी और काका जी ने बताया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है तो जा शंकर के मंदिर और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव मैंने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आप कहते हो प्रदोष के दिन बाबा से दीप लगाकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी उसी दिन करा। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर मंदिर जाने से क्या मिलता है गुरुदेव। फिर लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर मांगो बाबा जरूर देता है। मालेगांव की कथा के 7 दिन पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करती रही वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही बाबा मुझे संतान दे दो 10 साल हो गए। बाबा से प्रार्थना करी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 3/10/2023 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम मैंने शिवराज रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी। 10 वर्ष के बाद शिव भक्ति को अपने भीतर प्रकट कर दिया। शिव भक्ति एक बार दोनों हाथ उठाकर सब लोग आनंद के साथ बोलेंगे हार हार मां। शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट करें अपने भीतर। और जब शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट होगी तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। पावन चरित्र पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दिया। त्रिशूल लेकर माता पार्वती गई सब दूर से जीवों को भगा। अजय
शंभो मांगो घड़ी रे दुख शिव तत्व कह रहा। पार्वती जी ने जीवों को भगा दिया, कथा सुनने के लिए बैठी। बाबा कथा कर रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, नेत्रों में निंद्रा आ गई, थोड़ी देर सो, नेत्रों में निंद्रा आ गई, सो। और नेत्रों में जैसे ही निंद्रा आई सोई। शिव जी कथा कहते रहे, तोते का अंडा गिर पड़ा था, उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था, उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भर भर कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। आखिरी में पार्वती जी की निंद्रा खुली, जब भोलेनाथ जी बोले, बोल शिव महापुराण की, पार्वती जी के नेत्र, पार्वती तू कथा सुनी है? पार्वती जी ने कहा, मेरा ध्यान शिव में चले गया। मेरा ध्यान भगवान शंकर में चले गया। देवाधिदेव महादेव में मेरा ध्यान चले गया। नास चित्त हट गया, मन हटा, नास ठीक। पार्वती तूने हुंकारा नहीं भरा तो भरा किसने? तो तोते का बच्चे पर ध्यान गया, तोते के बच्चे को भागा, तोते का बच्चा व्यास जी महाराज के आश्रम में गया, जहां पर उनकी धर्मपत्नी के मुख में बकासी आई। जैसे ही उन्होंने मुख फाड़ा, जमाई आई, वैसे ही वो तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। समय जब आया तो व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से वो तोते का बच्चा जो प्रकट हुआ, उसी का नाम सुखदेव हुआ। तोते के बच्चे को कहते हैं सुख। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा, इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया, जम के बोलो जरा, सुखदेव, सुखदेव। कारण सुखदेव जी महाराज के मन में, क्योंकि ज्ञान इतना था, भगवान शंकर के मुख से कथा श्रवण कर रखी थी, इसलिए भीतर का ज्ञान इतना प्रबल था, गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल था कि सुखदेव जी महाराज किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने समझाकर राजा जनक जी के यहां भेजा और जनक जी को उन्होंने गुरु बनाया। जनक जी ने तीन बातें सुखदेव जी महाराज को समझाई। अब जरा आप समझिएगा तीन बातों को। जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को तीन बातें समझाई थी। पहला, अपने पूर्वज, अपने पितर, अपने आहुत, अपने वासुक, अपने कुल देवता, अपने पितर देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। देखिए, दो चीजें होती है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। दो बातें हैं, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में सबसे बड़ा अंतर है, दोनों चीजें, स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों चीजें हमें समझाती है। स्वाभिमान का मतलब है कि जो भी है हम उसको अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर उतार लें, वो स्वाभिमान है, और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान है। झलके ना, अपने भीतर उतार लिया जाए वो स्वाभिमान है। अब शब्द कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। गाली दे दी, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। आड़ा तड़ा कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा। भीतर उतारना स्वाभिमान, झलक गया अभिमान। अभिमान झलकता है, अभिमान झलकना नहीं चाहिए। स्वाभिमान भीतर उतारते जाओ, उतारते जाओ।
राजा जनक जी ने कहा सुखदेव जी महाराज को तीन बातें समझाई। पहला, अपने पूर्वजों का अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए, अपने पूर्वजों का अपने पितरों का। क्यों? क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए, जो अपना घर अपनी जमीन अपनी जायदाद छोड़कर चले गए, सब तुम्हें छोड़कर गए, तुम्हारा फर्ज है कुछ नहीं, तो कम से कम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को आप जब चढ़ाएंगे तो उसका एक अंश मात्र पितरों को भी प्राप्त हो जाता है, एक अंश मात्र। अभी आज कितनी तारीख है, जम के बोलो जरा, 26। कथा कब तक चलेगी? 2 तारीख। 7 दिन की कथा में बीच में 30 तारीख को शिवरात्रि भी पड़ेगी, मासिक शिवरात्रि और पितृपक्ष की शिवरात्रि। दो चीजें हैं उस दिन, पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 तारीख को पड़ेगी, उसमें बहुत सारे विधान है। आज तो कथा का पहला दिन है इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम लिए। कल से कथा में आपको वर्णन करेंगे कि पितृपक्ष की शिवरात्रि पर शंकर को मात्र, अगर कोई 35 साल 40 साल का बेटा बेटी भी हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही हो, तो पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन मात्र घृत और जल शिव को चढ़ा देने, उसका चढ़ाने का भी तरीका बस उस तरह से चढ़ा दे। 40 साल का भी हो गया ना, 35 साल का भी हो गया ना, तो विवाह जरूर होगा, ये निश्चित है, निश्चितता है। 35-40 साल भी हो गए और औलाद नहीं हुई ना, आप अभी छत्तीसगढ़ की एक कथा थी, उसमें कथा में आपने वो देखा होगा, हमने तो उसका 10 साल बोला था, उसमें 40 साल बाद उसको बोला, 40 वर्ष के हृदय से अगर आप कहेंगे स्वीकार। एक बहन ने लिखा है, सो कल्पना सदाशिव जाधव, सो कल्पना सदाशिव जाधव, छत्रपति संभाजी नगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देखिए, आइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। गुरुदेव, हमारी इतना, हमारे पास में वैभव नहीं, धन नहीं, 28 वर्ष तक किराए के मकान में रही, 28 साल गुरुदेव किराए के मकान में रहते रहते जब 28 वर्ष हो गए, तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर भगवान के मंदिर में जाना चालू करा। हम शिव मंदिर में नहीं जाते थे, पंडाल में बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं और अपने मकान का फोटो भी लगाई हूं। 28 साल किराए के मकान में रही, ज्यादा इनकम नहीं, कमाई नहीं, तो भी मेरे भोलेनाथ से बस प्रार्थना करती थी कि अपने मकान में पहुंचूं, और बाबा ने मुझे आज खुद के मकान में, 2 मंजिल मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव, पितृपक्ष की कथा और पितृपक्ष की शिवरात्रि, वर की शिवरात्रि मानती, मांगा शिव दिया, जो मांगते हैं वो बाबा देता जरूर है, जो मांगा। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, ये मकान का फोटो, जो मांगा। विश्वास के साथ जब हम पशुपति व्रत करें, विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएं, विश्वास के साथ शंकर की आराधना करें, विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें, विश्वास के साथ शंकर की शरणागति ग्रहण करें, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं देगा, क्या नहीं देगा, सर्वस्व सब लुटा देता है वो। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है,
बधाई, शिव तत्व की प्राप्ति हो। पहुंचा समय, सुखदेव जी महाराज का पावन चरित्र वर्णित किया। जनक जी ने तीन क्रम बताए, तीन बातों को, एक अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण, दूसरा मनुष्य की देह मिली है तो गुरु का मंत्र, गुरु स्मरण जरूर कर, और तीसरा ग्रस्त आश्रम में रहकर, परिवार में रहकर शिव की आराधना जरूर, शंकर की आराधना। जिस आश्रम में आप वानप्रस्थ से, वन में रहने से ज्यादा प्रबल है ग्रस्त आश्रम, घर में रहकर भगवान की भक्ति करना, घर में रहकर शिव भक्ति को धारण, शिव भक्ति को धारण। आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम के ब्राह्मण के प्राण जल में डूबने से हो गए, चंचुला देवी ने शिव कथा का स्मरण करा, भगवान देवाधिदेव महादेव ईसर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। ईसर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शंकर पार्वती जी ईसर जी गोरा जी बनकर पहुंचे कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन कथा नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में हो रही है, नासिक जिले के अंतर्गत रायगोल कंपनी, मनमाड़ रोड, हिसवल, नंदगांव, नांदगांव, जिला नासिक। माननीय श्री आमदार सुहास जी अणा कांदे एवं उनकी धर्म पत्नी अंजुमताई सुहास जी कांदे इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं। एक बार भाव और आनंद के साथ इस कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। पत्र बहुत सारे हैं पर हम इतना पढ़ नहीं पाए आज, थोड़ा कल की कथा में कुछ पत्रों का स्मरण जरूर करेंगे।